लॉन्डो जोसे मोरिन्यो द स्पेशल वन, बहुत बड़ा कांड हो गया लॉन्डो, मार्केट में बहुत बड़ा कांड हो गया। जोसे मोरिन्यो के नाम पे लांछने उड़ रहे हैं दबा दबा के। अगर तुम ट्विटर जाओगे, तुम कहीं भी जाओगे ना, सबसे बड़ी लांछन मैंने ये पढ़ी कि भाई वो बेसिकली ए ग्रेड का मैनिपुलेटर है। ही मैनिपुलेट्स, ही मेक्स योर टीम फील लाइक कि तुम अप्रेस्ड हो, और वो इतनी मैनिपुलेशन माइंड गेम्स खेलता है कि ही मेक्स यू थिंक कि सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट है, नो मैटर वो कितनी बड़ी टीम्स में। ये बहुत ही बड़ी बड़ी एलिगेशंस हैं स्पेशल वन के। तुमको पता है मोरिन्यो एक पोलराइजिंग फिगर है, मोरिन्यो एक बहुत ही, यू कांट इग्नोर हिम, यू कैन लव हिम हेट हिम, वो बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी तुमको बताया, इसमें कोई डाउट नहीं। लाइक प्रॉपर लाइक अटेंशन डिमांड करता है, स्पेशल वन है इन टर्म्स ऑफ लाइक कुछ कुछ चीजें रहता है। लाइक तुम समझ लो, मेन प्रॉब्लम जो लॉन्डो को हो रही है, मेन प्रॉब्लम कि मोरिन्यो को कंपेयर करते हैं ग्वार्डियोला से। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई? ग्वार्डियोला बिल्कुल एलिटिस्ट कोच, उसका स्टाइल ऑफ प्ले देखा तुमने? लाइक वो बिल्कुल स्टाइलिस्टिकली चले जाते हैं भाई, मोरिन्यो की टीम तो सिट बैक करती है, वो सब हरकतें, एफर्ट नहीं डालती। अगेन रोमा वर्सेस सेविया में भी एक गोल मारने के बाद पूरी टीम बैठ गई, वो सब हरकतें, जो भी लॉन्डे बोलते हैं। पता एक चीज को, पहली बात तो अगेन मैं आई एग्री कि मोरिन्यो, ये दिस इज द डार्क साइड ऑफ मोरिन्यो, ये जो हरकतें हुई रेफरी पे बिल्कुल गोलियां बरसाना उसकी में भी, जो अगली सिचुएशन हुई ऑब्वियसली एयरपोर्ट में, ऑब्वियसली दिस इज द डार्क साइड ऑफ मोरिन्यो। अगेन इट्स लाइक आई एम नॉट हियर टू डू मॉरल प्लेसिंग कि मोरिन्यो को डिफेंड करने के लिए, आपका पॉइंट नहीं, बट अगर तुम ऑनलाइन जाओगे लॉन्डो उसके पीछे पड़े हो भाई, उसी पूरी लेगेसी को टार्निश करने पर लगे हुए हैं, उसकी हर एक डिसीजन पर सब्जुकेट, जो भी कहते हैं उसके, इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं ऑब्वियसली, बट जो भी वक्त चुकी है सब कुछ उसके पीछे पड़े हुए हैं। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इट, बट मैं थोड़ी चीजें क्लैरिटी लाना चाहता हूं। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्लैरिटी नहीं लॉन्डो में, मेरे ख्याल से मुझे ऐसी फीलिंग आती है। सबसे पहले तो रेफरी वाली हरकत बिल्कुल गलत, वो डार्क साइड है मोरिन्यो की, वो एक अगली साइड है। ही इज नॉट द ओनली कोच जो रेफरीज को अंडर द बस डालता हूं, तुमको पता हूं काफी लॉन्डे करते हैं। अगर तुम इवन ग्वार्डियोला के पास जाओगे, इसकी हिस्ट्री जेन्युइनली, बारसा में उसने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, इवन रिसेंट मैन सिटी में गेम हारने के बाद लिवरपूल के अगेंस्ट उसने रेफरी से हैंडशेक करते कि थैंक यू सो मच, तो वो भी ऐसी हरकतें करता है, हर कोच कर देता है। लेकिन उसे कोई बड़ी बात नहीं, लाइक एवरी देखो सिंपल, फुटबॉल में जीतने के लिए ना, अगर तुमको गेम जीतनी तुम टैक्टिकली वो सब हरकत तुम कर लोगे, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेफरी को कंट्रोल करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेफरीज को कंट्रोल करना। अगर तुम रेफरीज को नहीं जीत पाए ना, अगर तुम उनके दिमाग में नहीं घुस पाए, अगर वो तुम्हारे लिए समझ लाइक यू हैव टू शो योर प्रेजेंस टुवर्ड्स द रेफरी, हर एक फॉल पर तुमको विजिबल होना पड़ेगा। ये चीज मैंने सीखी है भाई, तुमको ये करना पड़ता है, क्योंकि रेफरी भी अल्टीमेटली चाहे कितना ही ऑब्जेक्टिवली मूव करे, ही इज अ ह्यूमन, समझ रहे हो। अगर तुम उसको बिल्कुल इफेक्ट करोगे वो सब हरकतें, डिसीजन तुम्हारे अगेंस्ट स्वे होती है। मोरिन्यो ये गेम बहुत खेलता है, मोरिन्यो ये गेम बहुत खेलता है। एक तो ये बकचोदी होगी कि जो फाइनल था यूरोपा लीग का, उसमें इंग्लिश रेफरी क्यों आ गया भाई, इंग्लिश रेफरी क्यों आ गया मोरिन्यो वाली गेम में, तो मुझे पता कुछ बुरा ही होगा भाई। मोरिन्यो ने पूरी गेम मास्टर क्लास करी इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली मास्टर हम थ्रो ऐसी करते हैं, बट उसने पूरी गेम में कंट्रोल करा रेफरी को, पूरी गेम में हर फाउल के ऊपर गया, सब कुछ बिल्कुल उसने तमाशा कर दबा दो, तुमको पता ऑब्वियसली बिल्कुल ए ग्रेड का मैनिपुलेटर है, तुमको पता है इस सेंस में कि रेफरी पे कौन से फाउल पर जाना, फोर्थ ऑफिशियल में कौन से फाउल पर जाना, वो सब ये भी टैक्टिक्स है भाई, ये भी चीजें करनी पड़ती है। अब लॉन्डे लोग गलीच बोलते हैं, प्रॉब्लम पता क्या है, लॉन्डे बोलते हैं ये तो गलीच है, लाइक वो क्या कहते हैं उसे, कोई भी कोई जेंटलमैन कोर्स थोड़ा करता है, लुई वैन हाल थोड़ा करता है, लाइक समझ लो, मतलब वो भी करता है, वो भी कर रहा था एक बार जब वो गिर गया था ऐसे, तुमको पता है। एवरी मैनेजर इज बाउंड ऑब्लिगेटेड टू कंट्रोल द रेफरी, फोर्थ ऑफिसर का दिमाग खाना पड़ता है, उसको प्रेजेंस फील करानी पड़ती है, क्योंकि रेफरी सब कुछ डिसीजन कंट्रोल कर रहा है, सिंपल, इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल। तुम्हारी टीम को अगेंस्ट एक फाउल गया, पूरी गेम का मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन लिटरली इतनी माइन्यूट डिटेल वाली गेम, तुमको पता ऑब्वियसली। तो मोरिन्यो इस चीज को, मोरिन्यो ये हर कोई कोच करता है, बट मोरिन्यो में भी बहुत डीप चला था करने में, अंडरस्टैंडेबल है, एंड वो कभी कभी काफी अगली भी लगता है, जो इस बारी बहुत अगली था। एंड ये डार्क साइड, आई एम नॉट सेइंग, आई एम डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वो इतना डीप चला था कि अगली ये गंदी हरकतें हो गई, जिसमें मोरिन्यो को ऑब्वियसली फाइन मिलेगा, चार्ज मिलेगा, वो अंडरस्टैंडेबल है। एंड वो हर गली हरकतें, हर देखो हर आदमी की ना बेंचो पॉजिटिव और नेगेटिव है, लाइक जेन्युइनली, तो दिस इज ए बहुत बड़ा नेगेटिव मोरिन्यो का जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूं, बड़े जो पूरा वो है ना क्या कहते हैं परसेप्शन कि ये हरकतें तो गलीच है, रेफरी को कंट्रोल करना मैनिपुलेशन, तो गलीच हरकत है। हर कुछ करता किसी किसी कैपेसिटी में, बिल्कुल करता भाई बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है जेन्युइनली। दूसरी चीज मोरिन्यो का, तुमने कभी नोटिस करो मोरिन्यो इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग येलो कार्ड्स, बाप है बाप मोरिन्यो, तुमको पता है ही इज अवेयर अबाउट इसको कभी येलो कार्ड मिला, इसको येलो कार्ड ये मिलेगा तो तू ये कर, ही इज अवेयर इतनी डिटेल में। अगर तुमने देखिए ऑल और नथिंग स्पर्स वाली, सेम चीज बोलता कि ये येलो कार्ड पर तू ये कर दे, लाइक जब जावी अलोंसो को बेंच करता आयक्स वाली गेम में, तुमको पता होगा वो प्रॉपर इन चीजों में मास्टर है। ये छोटी छोटी इन गेम मैनेजमेंट, येलो कार्ड्स कहां मैनेज करने हैं, अगेंस्ट सेविया वर्सेस रोमा वाली गेम में रेफरी ने जेन्युइनली ओकाम्पोस का येलो कार्ड नहीं दिया, और एक और बंदे लमेला का जो उसने पेनल्टी एरिया में डाइव मारी थी, जो भी
जब पेनल्टी नहीं दी थी रेफरी, तो मोरिनो येलो कार्ड डिमांड कर रहा था। अब लॉन्डे बोलते कि क्या कर रहा है, फुटबॉल फोकस करना, अच्छा फुटबॉल खेला ना टीम को, तो बस पाक करा रहा है फिर येलो कार्ड के रो रहा है, जो भी है। ये जो परसेप्शन है गलत है, ये परसेप्शन बहुत फ्लॉड है, बहुत ज्यादा जेन्युइनली। एक ये सब चीजें इंपॉर्टेंट भाई, येलो कार्ड सब, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, कोचेस नहीं सीखते। लॉन्डे टैक्टिक्स सीख जाते हैं, वो सब हरकतें कर देते हैं, वो सब हरकतें कि हाँ ग्वार्डियोला वे सिखा लेंगे, लाइक उसको इमिटेट कर लेते हैं, इमिटेशन कर लेते हैं। बट ये छोटी छोटी चीज है जिसको लॉन्डे मैनिपुलेशन बोलते हैं, डर्टी गेम्स, माइंड गेम्स बोलते हैं। हाँ ये डर्टी हो सकती है इफ गॉन टू डीप फॉर नेगेटिव कॉनोटेशन, मुझे पता है, बट अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है जिसमें मोरिनियो मास्टर। लेट्स नॉट बी किड, कम ऑन, मोरिनियो 5-6 फाइनल जीत चुका है यूरोपियन कप, जब भी जाता है उसका उसका पहला लॉस है यूरोपियन कप। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड वो सब हरकतें, बट मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग हरकत है, पता है मैं मैच नहीं कर रहा, अगर तुमको इस वीडियो में लग रहा है कि मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा भाई, क्या डिफेंड कर रहा हूं, हक दिया भाई। वो डार्क साइड है मोरिनियो की, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई, कि तुम अगर इतना मीडिया में मैनिपुलेट करोगे रेफरी के अगेंस्ट, इतना चाहे वो कितना ट्रू है ना हो, मोरिनियो तो प्रॉपर बोलता है कि भाई उसने आई फील आई नीड टू डिजर्व मोर, वो सब हरकत मोरिनियो पूरा बोल चुका है, उसने पूरी मीडिया रेफरी की अगेंस्ट डाल दी, जो उसके रिपरकशन वो पे करेगा, हर किसी ने सीखा है, कोई बड़ी बात नहीं, जो बहुत बड़ा अगली सीन हो सकता था, अंडरस्टैंडेबल। बट मैंने कहीं ट्वीट पढ़ा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग भाई, मैंने ट्वीट पढ़ा कि भाई मोरिनियो ऐसा ए ग्रेड का मैनिपुलेटर है, ऐसा ए ग्रेड का माइंड गेम वाला बंदा है, कि वो जिस भी टीम में जाता है वो ऐसा फील कराता है उस टीम के फैंस और प्लेयर्स को कि सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट है। मैं चश्मा बार बोलोगे कर जो भी, कि सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट है, वो ऐसा फील करा देता है तुम्हारी टीम को, समझ रहे हो। अब मैं एक मटेड फैन हूं और मैंने मोरिनियो को देखा, लाइक मोरिनियो मेरे एरा में मैंने 2014 से देखा स्टार्ट किया, 13-14 से मोरिनियो था, वो चला गया था। और जब मैं देखता हूं ना मोरिनियो को, इवन मोरिनियो जब वो बोलता कि ही फिनिश्ड सेकंड विद यूनाइटेड, वो बोलता कि भाई इट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट, जो भी है, जब वो फाइनल हारा यूरोपा लीग का विद सेविया, ही सेड कि दिस इज, क्या उसने कुछ बोला था ऐसे कुछ कि दिस इज द बेस्ट फाइनल आई हैव प्लेड, ऐसा कुछ उसने बोला था, कुछ भी, वो ऐसी चीजें करता है। लाइक मोरिनियो ऐसे वर्ड प्ले करता है, हरकत है कि वो फैंस को विन ओवर कर लेता है, समझ लो। लाइक इब्राहिमोविच सेड कि आई विल डाई फॉर हिम ऑन द पिच, वो सब हरकत है, नॉट फॉर ग्वार्डियोला, मोरिनियो ऐसे तुमको मैनिपुलेट करता है, वो सब हरकत है। अगेन मैं नहीं कर रहा, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हर चीज का, जस्ट बिकॉज लाइक ग्वार्डियोला की पूरी फिलॉसफी क्या टैक्टिकल, लाइक समझ लाइक टैक्टिकल नो, बट लाइक ग्वार्डियोला तोड़ मैन मैनेजर है, तोड़, देयर इज नो डाउट, ऑब्वियसली वो बिल्कुल होगा, बट उसका मेन क्या कहते हैं फोर्टे इज टैक्टिक्स, वो द वे ही प्लेज, वो सब हरकत है। पर उसका भी तो नेगेटिव होता ना, कभी कभी लॉन्डे बहुत ओवर थिंक कर दिया, समझ रहे हो। लाइक हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, मैं नेगेटिव मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं। मोरिनियो जब भी ऐसी जगह में जाता है, वो इतना ए ग्रेड का मैनिपुलेटर, दिमागों में घुसने वाला, फैंस के अपने वर्ड्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, बिल्कुल दबा के इन सब हरकतों में, या तो बिल्कुल तुम विन ओवर कर लेगा, फिर तुम नोबडी केयर अबाउट, बिल्कुल ऐसा सीन, यू कांट बी इन अ मिड वे जेन्युइनली। मोरिनियो मैं मैच नहीं कर रहा, मोरिनियो कितना हग है, मोरिनियो के अगेंस्ट हर कोई इस टाइम पे एवरीबडी, बट उसके तुम उसकी कुछ कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, डिस्पाइट इतनी नेगेटिविटी जो उसको मिल रही, यू कांट इग्नोर दैट भाई। ये माइंड गेम सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर वो मटेड मैच जितना मैंने सुना, और वो बोलता कि उसने वो दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस फुटबॉल हेरिटेज, तुमको याद हो, बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तगड़ी एलीट, वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल टाइम, मैं भी नहीं कर, बहुत तगड़ी। उसने बोला कि जब मैं मड्रिड आया था नया नया, तो मड्रिड के प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स, एक प्लेयर, दो तीन प्लेयर्स बस क्वार्टर फाइनल खेले चैंपियंस लीग का, ओनली टू और थ्री प्लेयर्स प्लेड क्वार्टर फाइनल चैंपियंस लीग का, जिसमें मेरा गिर क्यों रहा है, ओनली टू और थ्री प्लेयर्स प्लेड क्वार्टर फाइनल चैंपियंस लीग, उसने बोला। मतलब उसने मड्रिड जैसे क्लब को, जिसकी इतनी हिस्ट्री है, जो उसके आने से पहले 10 नॉट ट्रॉफी जीत चुका था, बिल्कुल उसको उसने दिखा दी कि भाई ये तो क्वार्टर फाइनल खेले नहीं, ये क्या फुटबॉल हेरिटेज, ये समझ रहे हो। अगर तुम डीप करो तो मड्रिड एक हिस्टोरिकल क्लब है, मैनेजर्स मरते हैं जाने के लिए, समझ रहे हो, इतनी पैसा है, सब कुछ है, यू गॉट ऑल द क्लाउड, सब कुछ। बट अगेन जिस फेज में मोरिनियो आया था, मे बी ऑब्वियसली उस फेज में मड्रिड डाउन थी, अंडरस्टैंडेबल है। आई थिंक कौन अपना डेल बॉस्के वाले एरा से जो निकले थे, वो कपेलो, तुमको पता होगा, सब अंडरस्टैंडेबल, थोड़े स्पेनिश कोच थे बीच में। मोरिनियो अब लॉन्डे क्वेश्चन करे कि मोरिनियो इतना माइंड गेम खेलते हैं, वो सिस्टम को तुम्हारे अगेंस्ट कर देगा हमेशा, मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं ए ग्रेड की। एंड आई बिलीव यही मोरिनियो की स्ट्रेंथ है, यही मोरिनियो की वीकनेस है। वीकनेस दिख गई हमको कि ऐसी हरकतें हो सकती है, लॉन्डे इतने ब्रेन वॉश होते हैं कि वो रेफरी को मारने चलेंगे एयरपोर्ट में, उसके लिए फिर जिसके लिए भी जो भी हरकत है, चाहे वो उसने इन्फ्लुएंस करी भी हो ना करी हो, लॉन्डे तो खुद डिसअपॉइंटेड थी, फैंस तो वैसे डिसअपॉइंटेड थे रेफरी से, भाई कुछ बड़ी बात है नहीं, तुमको पता होगा कोई बड़ी बात है। बट मैम आई लॉन्डे बोल रहे इसको ऐसा वीकनेस, आई थिंक ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो फैंस या प्लेयर्स को ऐसे कंट्रोल करता है कि सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है भाई, बहुत बड़ी, बिल्कुल है। आई नो वो कभी कभी बहुत गलीच हो जाते हैं ये सब चीजें करने में, कि भाई नहीं
यूनाइटेड के साथ फिनिश, सेकंड फिनिश करना मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है, वो सब हरकत है। चैंपियनशिप जीत चुका पर ये बोल बिगेस्ट अचीवमेंट है, ये सब हरकत है, बहुत करता है वो हरकत, गली हरकत जो उनको लगता है। बट ये चीज है भाई, यू कांट रिप्लेस दैट, कोई भी कोर्स ये सिखाता नहीं भाई, ये चीज होती है स्ट्रीट स्मार्टनेस वाली। मैं अपनी क्रेडिट साउंड वियर्ड, मैं कुछ ऑब्जेक्टिवली इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा, बट ये फीलिंग ये ऐसे करेक्ट आता, मैं अपनी कर रहा हूं। अगर लोंडे बोलेंगे मोरिनियो फिर से मोरिनियो बुला ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जेन्युइनली मुझे प्रॉब्लम। एक तो लोंडे अगेंस्ट है, स्टाइलिस्टिकली बात करते थोड़ा एंड में, लोंडे अगेंस्ट है कि भाई मोरिनियो क्या कहते हैं उसे, स्टाइल ऑफ फुटबॉल डिफेंसिव पाक दबस जो भी हर कर, द वे मोरिनियो मैनेज द सेविया वाली गेम, द वे ही मैनेज दैट गेम, यू कांट टॉक अबाउट पाक दबस भाई। इतना ऐसा नहीं होता भाई, इतना इजी ना कि पाक दबस कर दी बस, इतना ही थोड़ा यार। ऐसा क्यों है कि सन केन उसके अंडर इतना अच्छा खेले, ऐसा क्यों कि डिबाला टेमिया पर अच्छा खेला, ऐसा क्यों होता उसके लिए, ऐसा क्यों होता भाई, कुछ तो रीजन है ना भाई, चश्मा नीचे गिर रहा वापस, कुछ तो रीजन ना, इट्स नॉट ओनली कि बस पाक कर दी, बैठ ही गए हम तो भाई, हम तो देख ही रहे हैं, बंदे खड़े कर दो बॉक्स में, ठीक ही है, यही है, इतना डिटेल वाला काम है भाई, डिटेल वाला काम। और फर्स्ट हाफ में तो प्रेस भी कर रहे थे, मोरिनियो प्रेस भी कर रहा था फर्स्ट हाफ में, उसने एक बार स्पर्स को प्रेसिंग टीम बना दिया था, तो जो उसको लेबल करता डिफेंसिव कोच प्रेस, तो अल्टीमेटली वही है भाई, अगेन गेम मैनेजमेंट में आया था, उसने अपना काम कर दिया, 1-0 की लीड ले ली, सेटबैक थोड़ा कर रहा था उसके बाद ऑब्वियसली, फिर येलो कार्ड पेनल्टी भी ले ली थी, बेलोती को उसने सब कुछ अपना काम कर दिया, ही डिड ऑल हिज वर्क। तो उस गेम के बाद अगर वो अनजस्ट फील करता है, इट्स फेयर टू पॉइंट दैट आउट ऑब्वियसली। दो, अगेन ये उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों है लोंडो, यही मैं अगेन, अगर ये वीडियो एक प्रॉपर ऐसे क्या कहते हैं उसे एफर्ट लग रहा है टू डिफेंड मोरिनियो, वो नहीं है भाई, ये बस एक चीज, एक एफर्ट था मेरा कि कैसे दोनों उसकी साइड है, नेगेटिव पॉजिटिव, जो हर कोच की होती है, हर बंदे की होती है, समझ लो लोंडो खार तो चुका है, ही इज अ स्पेशल वन भाई, कम ऑन, यू कांट इग्नोर हिम, यू कांट इग्नोर हिम, चाहे कितनी गली हरकत उसने करी हो इस बार। मैं मॉरल पुलिसिंग क्यों कर रहा हूं भाई।